नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा सिंह, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भारत माता की वंदे वंदे। भारत माता की मातरम। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी की हालत यह है कि यह सुपर सोनिक की स्पीड से उतने ही नीचे जा रहे हैं। इन लोगों की यह हालत हो गई। बहनों भाइयों, फैसला आपको करना है। भाजपा शिवसेना आरपीआई की युति है। बहनों भाइयों, पक्की पक्की दोस्ती है। परिवार में भी कभी इधर उधर कुछ हो जाता है, चोंच से चोंच मार लेते हैं लोग, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन हर मिला जुलाकर सब एक है। और ईमानदारी के साथ जब गठबंधन करना तो ईमानदारी के साथ उसका पालन करना चाहिए। खूब करिए ईमानदारी के साथ। किसी भी दल का क्यों ना कोई प्रत्याशी हो, सबके लिए वोट करिए। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं और आपके सामने शीश झुकाकर मैं अपील करना चाहता हूं। यही भारत का चरित्र है, यही भारत का चरित्र है। और बहनों भाइयों, यदि आपने जिता दिया सारे उम्मीदवारों को तो मैं तो कहूंगा गोपाल जी, जीत उठ जाने के बाद एक बार फिर से मुझे बुला लीजिएगा। अरे दोस्त, रामदास अठावले कहां हैं? आइए आइए, आप बगल में खड़े हुई है, रामदास जी अठावले आ गए। आइए गोपाल जी, इधर आइए। हो गए जी, आप भी आइए 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 आइए। बहुत 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 बढ़िया। भारत माता की तो बहनों भाइयों, मैं आश्वस्त होकर जाऊं, पक्का जाए नहीं ना जाए, तभी मैं मानूंगा, तभी मैं जाऊंगा जब आप सभी लोग अपनी जगह से मोबाइल जला लेंगे। तब मोबाइल मोबाइल निकाल बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। पड़ेंगे और राजनाथ सिंह साहब को जाना भी है। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि बीजेपी के झंडे के साथ हमारा खड़ा है झेंडा नीला, बीजेपी के साथ हमारा ताकत से खड़ा है झेंडा नीला, इसलिए राहुल गांधी का मुंह हो गया है काला। तो हम लोग आपके साथ है योगेश सागर जी, मेरी पार्टी आपके साथ है। हम सबको मार्गदर्शन करने आए हमारे देश के रक्षा मंत्री, मैं उनका आप सभी की ओर से तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। राजनाथ सिंह जी आए थे उत्तर मुंबई के महायुति के 6 उम्मीदवार के प्रचार के लिए, बोरिवली के लिए आए थे, मागाठाणे के उम्मीदवार के लिए आए थे, कांदिवली पूर्व के, दहीसर के, चारकोप के और मालाड पश्चिम के। बहुत ही अच्छी सभा हुई, हजारों की संख्या में लोगों ने राजनाथ सिंह जी को सुनने के लिए आए और रामदास अठावले जी भी हमारे आरपीआई के नेता इस सभा में बोले। बहुत ही अच्छी सभा हुई, आपको परिणाम उसके आने वाले दिनों में चुनाव के दिन और 24 तारीख को दिखेंगे। आपको विधायक के रूप में सर्वोत्तम स्थान मिल चुका है, आगे आने वाले दिनों में चुन के आएंगे तो किन मुद्दों पे आप सर्वोत्तम कार्य? देखिए, कांदिवली चारकोप का यह विस्तार लगभग 50-55% झोपड़पट्टी से व्याप्त विस्तार है। सबसे पहली समस्या है झोपड़पट्टी वालों को अपने हक का घर दिलाने का, जो प्रधानमंत्री जी का वादा है 2022 तक हर फैमिली को अपना घर होगा। तो जो अपने घर में आज झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उसे पक्का मकान वाला घर मिले, ये प्राथमिकता आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और सभी सहयोगी दलों की रहेगी। और जब तक ये पक्के घर में नहीं जाते तो जो इंसान के नाते सुविधा उनको मिलनी चाहिए, जो मानवता की दृष्टि से पानी हो, अच्छे रास्ते हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, इस बारे में जो हमने काम किया है आने वाले दिनों में और बढ़ करके माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हम उनके लिए काम करेंगे। जनता से क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? जनता से केवल इतना ही कहना है कि जनता ने देखा है, जनता ने 2014 में नरेंद्र भाई की सरकार को पूर्ण बहुमत से चुन कर दिया,
जबकि वो गुजरात के केवल मुख्यमंत्री इस नाते से काम करके राष्ट्रीय राजनीति के अंदर पहली बार आए थे। जनता ने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों को देख करके पिछले बार से अधिक वोटों से, अधिक सीटों से नरेंद्र भाई की सरकार फिर से बनाई है। आज यही जनता महाराष्ट्र में 2014 में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति की, फिर से उनके कामों के परिणाम के रूप में 21 तारीख को भारी संख्या में मतदान करके 24 तारीख को बड़े, बहुत ही बड़े मार्जिन से फिर से एक बार देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार को प्रस्थापित करेगी। देखिए, हम लोग को ये लगा कि आज 64-90 फीट रोड जिसको हम लोग कहते थे, आज सही माने के अंदर, सलम के अंदर हम लोग को लगा कि सही में राफेल यही उतर गया है। और राफेल को हम लोग चलते हुए यहाँ पे देखा, और राफेल की वजह से यहाँ अटकते भटकते लोगों को भी देखा हम लोगों ने। और आज जो माहौल बना है, तो ये केवल चारकोप विधानसभा के लिए नहीं बल्कि उत्तर मुंबई के सारे छः सीटें हम बम्पर वोटों से जीत के यहाँ पे आ रहे हैं। विपक्ष का आरोप था बीजेपी ने काम नहीं किया इसलिए प्रचार करना पड़ रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है जो कहना उनको कहने दीजिए, हम अपने वादा करते हैं कि हम 5 साल के अंदर जो काम किए हैं हम वो बताने के लिए अपनी सभा करते हैं। हम बताएंगे कि हम अपना हिसाब लेके आए हैं। और राजनाथ सिंह ने 5 साल के अंदर मोदी सरकार ने क्या किया, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने क्या किया, वो उन्होंने बताया कि हमने किया क्या। आपने जब हमको चुन के दिया तो हमने आपके लिए क्या किया ये बताने के लिए हम आए हैं। और दोबारा भी अगर हम आपको चुन के देते हैं तो हम आपके लिए क्या लेके आने वाले हैं वो बताने के लिए हमको सवाल लेना जरूरी है। हम हार जीत की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम चारकोप विधानसभा में 1 लाख के ज़्यादा वोटों से हम लोग जीत के आने वाले हैं इस बार। देखिए, हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह साहब इस चारकोप विधानसभा में उत्तर मुंबई के उम्मीदवारों के प्रचार हेतु आए थे। हमारी जीत तो निश्चित है, जीत निश्चित ही नहीं, हम लाख के पार भी हैं, लेकिन हमारी जनता ने जिस विश्वास के साथ मतदान किया है, हमारी जनता ने जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया है, हमारी योजनाएँ क्या हैं, आने वाले दिनों में हम क्या करने वाले हैं, हमने पिछले 5 सालों में क्या किया है, ये सारा रिपोर्ट कार्ड हम जनता के सामने अपने माननीय रक्षा मंत्री जी के माध्यम से देना चाहते थे। माननीय रक्षा मंत्री जी ने महाराष्ट्र सरकार और देश की मोदी सरकार के बारे में जो कहना था, जो काम हो रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, सारी लोगों के सामने बताई हैं। मैं धन्यवाद दूंगा इस गांधीनगर KD कंपाउंड की जनता को, जिन्होंने पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे मर्जी के साथ, पूरी एकदम बड़ी तादाद में बाहर निकल करके हमारे नेता का स्वागत किया। उन्होंने नेता को ध्यान से सुना और आने वाले आगामी दिनों के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की शाश्वती दी है, उन्होंने विश्वास दिलाया है। देखिए, हम लोग तो जनता के बीच लोग हैं, हमने लोगों को कहा कि भाई जो हमारा नेता आ रहा है देश के बारे में, प्रदेश के बारे में, जो हमारी सरकार काम करने आ रही है, काम कर रही है, वो आपको बताने आ रहे हैं, इसलिए आप लोग हमें सहयोग करिए। थोड़ी बहुत दिनों की अड़चन थी, बहुत दिनों का इंक्रोचमेंट था, थोड़ी मशक्कत तो करनी पड़ी, फिर भी महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन और लोगों के सहयोग से ये रास्ता खाली हुआ। और हम उम्मीद करते हैं जैसे लोगों ने आज सहयोग दिया, आने वाले दिनों में इस रास्ते को ऐसे ही साफ़ सुथरा रखेंगे। आने वाले दिनों में यह रास्ता वाहनों के लिए अच्छा होगा, ऐसी लोगों से अपेक्षा रखता हूं। और फिर से लोगों से विश्वास, लोगों को विश्वास दिलाता हूं, उन्होंने जो विश्वास हमारे ऊपर व्यक्त किया है, जो उन्होंने सहयोग दिया है, आने वाले दिनों में उससे ज़्यादा सहयोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से उन्हें मिलेगा।